हेलो स्टूडेंट्स, इन्फीटीक्यू के एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं और इन्फीटीक्यूस के एग्ज़ाम्स में कुछ एक क्वेश्चंस बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हैशिंग। तो हैशिंग टेक्निक आपने ऑलरेडी अपने सेकेंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर पार्ट में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको इसका एक क्विक रिविज़न दूंगा, जैसे कि आप हैशिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो हैशिंग कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एड्रेस टेबल। तो डायरेक्ट एड्रेस टेबल को समझने के लिए मान लीजिए कि आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है, लेट्स से 2, 3, 4, 6, 7, 4, 0, 2, 3, 9, 7 और 8। इस नंबर सीक्वेंस में आप ये फाइंड करना चाहते हैं कि कौन से नंबर्स कितनी बार अपीयर हुए हैं। तो इसके लिए हम टेबल का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एड्रेस टेबल, शॉर्ट में इसको हम DAT भी बोलते हैं। और ये जो डायरेक्ट एड्रेस टेबल है, दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल जब आप कॉम्पिटेटिव कोडिंग के क्वेश्चंस करेंगे। अगर हम मान लें कि हमारे पास ये जो डायरेक्ट एड्रेस टेबल है या फिर एक एरे है जिसमें 10 लोकेशंस हैं और उन लोकेशन के जो इंडेक्सेस हैं या जो एड्रेसेस हैं वो 0 से 9 तक वेरी करते हैं। अगर हमने इन सभी लोकेशंस पे इनिशियली 0 स्टोर कर लिया तो ये सिग्निफाई ये करता है कि 0 की काउंटिंग 0 है, 1 की काउंटिंग 0 है। 2 इंडेक्स पे देखिए 0 वैल्यू, इसका मतलब 2 की काउंटिंग 0 है। इसी तरह से सभी एलिमेंट्स की जो काउंटिंग है वो 0 है। जैसे हमें कोई एक नंबर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल हम 2 देखते हैं, तो सेकेंड इंडेक्स पर डायरेक्टली जाते हैं और इस इंडेक्स की वैल्यू 0 से 1 कर देते हैं। सिमिलरली हमें 3 एलिमेंट मिलता है तो हम 3 इंडेक्स पर डायरेक्टली जाते हैं और इस इंडेक्स की वैल्यू को 0 से 1 अपडेट कर देते हैं। इसी तरह से हम 4 इंडेक्स पर जाते हैं और इसकी काउंटिंग को 1 अपडेट कर देते हैं। 6 इंडेक्स पर जाते हैं और काउंटिंग 1 अपडेट कर देते हैं। सिमिलरली हम 7 इंडेक्स पर जाते हैं और काउंटिंग 1 अपडेट कर देते हैं। सिमिलरली हम 4 इंडेक्स पर जाते हैं और काउंटिंग पहले से 1 थी, इसको हम 2 अपडेट कर देते हैं। फिर हम 0 इंडेक्स पर जाते हैं और काउंटिंग को 1 अपडेट कर देते हैं। फिर हम 2 इंडेक्स पर जाते हैं और काउंटिंग को 2 अपडेट कर देते हैं। और हम 3 इंडेक्स पर जाते हैं और काउंटिंग को 2 अपडेट कर देते हैं। फिर हम 9 इंडेक्स पर जाते हैं और काउंटिंग को 1 अपडेट कर देते हैं। फिर हम 7 इंडेक्स पर जाते हैं और काउंटिंग को 2 अपडेट कर देते हैं। फिर हम 8 इंडेक्स पर जाते हैं और काउंटिंग को 1 अपडेट कर देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास इस डायरेक्ट एड्रेस टेबल में या फिर इस एरे में जो वैल्यूज़ हैं वो काउंटिंग को सिग्निफाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 0 की काउंटिंग 1 है क्योंकि 0 इंडेक्स पे 1 वैल्यू है। 1 की काउंटिंग 0 है क्योंकि 1 इंडेक्स पे 0 है। 2 की काउंटिंग 2 है क्योंकि 2 इंडेक्स पे डेटा वैल्यू 2 है। सिमिलरली 3 की काउंटिंग हमारी 2 है। 4 की काउंटिंग 2 है। 5 की काउंटिंग 0 है। 6 की काउंटिंग 1 है। 7 की काउंटिंग है 2। 8 की काउंटिंग है 1 और 9 की काउंटिंग है 1। तो ये जो डायरेक्ट एड्रेस टेबल का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम किसी भी इंडेक्स को डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं, इसीलिए इसको डायरेक्ट एड्रेस टेबल कहा गया। इस डायरेक्ट एड्रेस टेबल के ही कॉन्सेप्ट को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो हमारा कॉन्सेप्ट हैशिंग कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास ये एक एरे है और इस एरे में डेटा वैल्यू को हम डायरेक्टली स्टोर नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास एक डेटा सेट है तो यूजुअली आप क्या करते थे, इन डेटा एलिमेंट्स को एरे में ए को 0 इंडेक्स पे, बी को 1 इंडेक्स पे, सी को 2 इंडेक्स पे, डी को 3 इंडेक्स पे और ई को 4 इंडेक्स पे स्टोर कर देते थे सीक्वेंस में। लेकिन हैशिंग के केस में इस तरह से स्टोरेज प्रोसेस नहीं होगा। और मान लीजिए कि इस ए को स्टोर करना है तो ए की ASCII वैल्यू है 65, बी की ASCII वैल्यू है 66, सी की ASCII वैल्यू है 67, डी की ASCII वैल्यू है 68 और ई की ASCII वैल्यू है 69। हमने ये फार्मूला लगाया कि किसी भी एलिमेंट को स्टोर करने के लिए अगर हमें ए को स्टोर करना है तो ए का जो ASCII वैल्यू है उस ASCII वैल्यू का हम मॉड्यूलस विथ 10 ले लेंगे। तो अगर हम इसका मॉड्यूलस विथ 10 लेंगे सो वी विल अचीव 5। तो हो सकता है कि इस ए डेटा को हम 5 इंडेक्स पर जाके स्टोर कर दें। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी डेटा एलिमेंट जब मेरे पास आएगा, कोई की मेरे पास जब आएगी, तो उसको स्टोर करने से पहले मैं एक फंक्शन लगाऊंगा और उस फंक्शन से जो भी मुझे रिजल्ट मिलेगा मैं उस लोकेशन पर जाके डेटा एलिमेंट को स्टोर कर दूंगा।
इससे फायदा क्या होगा कि जब मैं इस एलिमेंट को सर्च करने का स्टार्ट करूंगा तो भी मैं यही फंक्शन लगाऊंगा, तब भी मैं 65 को मॉड्यूलस विद 10 करूंगा जिससे मुझे 5 मिलेगा, तो 5 लोकेशन पे मेरा डेटा एलिमेंट मुझे मिल जाएगा। तो मैं सिंगल हिट में या एक कंपैरिजन में अपने डेटा एलिमेंट को सर्च कर लूंगा। जबकि अगर मैं सिक्वेंशियल सर्च करता इसी प्रोसेस में तो मुझे ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगता, अगर मैं सिंगल हिट में सर्च करूंगा तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम में मैं सर्च कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1236489994998237 इन डेटा को स्टोर करना है इस हैश टेबल में, जिसको जो डायरेक्ट एड्रेस टेबल था उसका नाम हमने अब चेंज कर दिया हैश टेबल, तो आपने क्या किया, चूंकि इस हैश टेबल की साइज 10 है इसलिए 123 को 10 से मॉड्यूलस लिया तो 3 रिमाइंडर आया, और 123 को मैं 3 एड्रेस पे या 3 लोकेशन पे जाके स्टोर कर देता हूँ। सिमिलरली, जब आप 648 का मॉड्यूलस विद 10 लेंगे तो लास्ट डिजिट 8 होगी, रिमाइंडर इसका 8 आएगा, तो 648 डेटा को मैं 8 इंडेक्स पे स्टोर कर देता हूँ। सिमिलरली 994 है तो इसका मॉड्यूलस विद 10 मुझे मिलेगा 4, तो मैं इस 994 को स्टोर कर देता हूँ 4 इंडेक्स पे। फिर 2387 है जिसमें लास्ट वैल्यू मुझे या लास्ट रिमाइंडर से 10 से रिमाइंडर जो मैं लूंगा तो 7 मिलेगा, तो मैं 2387 को यहाँ स्टोर कर देता हूँ 7 इंडेक्स पे। और जब भी मैं इन डेटा वैल्यूज को सर्च करूंगा तो भी मॉड्यूलस पर 10 ही ऑपरेशन लगाऊंगा, तो मुझे ये डेटा वैल्यूज वहीं मिलेंगी जहां मैंने इसको स्टोर किया था, तो सिंगल हिट में मैं इस डेटा आइटम को सर्च कर सकता हूँ। तो हमें थोड़ा सा आइडिया हैशिंग का मिल चुका है, तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि InfyTQ में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास एक हैश टेबल है और आप फार्मूला ये लगा रहे हैं के मॉड्यूलस 7 वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए, और जो डेटा वैल्यूज हैं वो इस ऑर्डर में अपीयर हो रही हैं। आपको ये फाइंड करना है कि किन डेटा वैल्यूज के लिए कॉलिजन होगा। कॉलिजन का ये मतलब है कि अगर दो एक वैल्यू ऑलरेडी मेरी हैश टेबल में पड़ी हुई है और एक दूसरा डेटा आइटम आता है जिसको मुझे स्टोर करना है और मुझे उस लोकेशन पे ऑलरेडी एक डेटा वैल्यू मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि कॉलिजन हो गया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस सिनेरियो को कंसिडर करूं तो के मॉड्यूलस 7 कर रहा हूं, इसका मतलब कि मुझे जो रिमाइंडर्स मिल सकते हैं वो 0 से 6 तक मिल सकते हैं। तो मैंने 7 साइज की टेबल बना लिया जिसमें इंडेक्सेस 0 से 6 हो गए, मैंने 37 मॉड्यूलस 7 किया तो इससे मुझे 2 मिला, तो मैंने 37 को 2 लोकेशन पे स्टोर कर दिया। फिर 10 है, 10 मॉड्यूलस 7 किया मैंने, मुझे 3 मिला, तो मैंने 10 को 3 लोकेशन पे स्टोर कर दिया। सिमिलरली 44 है, 44 मॉड्यूलस 7 किया तो मुझे 2 मिला, तो इसका मतलब है कि मुझे 44 को 2 लोकेशन पे स्टोर करना होगा, पॉसिबल नहीं है लेकिन चलिए हम नोट करके रख लेते हैं। फिर 53 को मुझे स्टोर करना है, तो 7 मॉड्यूलस मैंने किया तो मुझे 4 मिला, तो 53 को मैंने 4 लोकेशन पे स्टोर कर दिया। फिर 8 को जब मुझे स्टोर करना है तो मैंने 8 मॉड्यूलस 7 लिया, इससे मुझे 1 मिला, तो 1 लोकेशन पे जाके मैंने 8 को स्टोर किया। फिर 11 मिला मुझे, 11 मॉड्यूलस 8 किया, 3 मिला, तो 3 लोकेशन पे ही मुझे 11 को स्टोर करना होगा, हालांकि मैं स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक वैल्यू पड़ी हुई है। फिर 29 को मैंने मॉड्यूलस विद 7 किया, आई एम सॉरी, मुझे मॉड्यूलस 7 करना है तो 11 मॉड्यूलस 7 का वैल्यू 4 आएगा, तो 11 को मैं 4 पे स्टोर करना चाहूंगा, और 29 मॉड्यूलस 7 करूंगा तो 1 आएगा मेरे पास, तो 29 को मैं 1 लोकेशन पे स्टोर करने की कोशिश करूंगा। तो आप देखें कि 1 लोकेशन, 2 लोकेशन और 4 लोकेशन पे ऑलरेडी एक वैल्यू पड़ी थी, फिर भी मैं दूसरी वैल्यू को वहां स्टोर करने का प्रयास कर रहा हूं, इसका मतलब इन लोकेशन पे कॉलिजन्स होंगे, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक हैश टेबल है जिसमें 10 बकेट्स हैं। 10 बकेट का मतलब क्या है कि 10 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ। तो अभी मैंने जो मेथड हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया मॉड्यूलस का, जैसे कि आपको रिमाइंडर्स मिल रहे थे 0 से लेकर 6 तक, यहाँ जो रिमाइंडर्स आपको मिलेंगे वो 0 से लेकर 9 तक मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 बकेट्स हैं, 10 लोकेशन है
और हैश फंक्शन यूज किया जा रहा है की मॉडुलस 10। तो यहां पूछा जा रहा है कि किस लोकेशन पे 142 को स्टोर किया जाएगा, और यहां यह भी कहा जा रहा है कि लीनियर प्रोबिंग मेथड को कॉलिजन के रेजोल्यूशन के लिए यूज किया गया है। लीनियर प्रोबिंग का क्या मतलब है कि इसे मान लीजिए कि मैंने एक डेटा वैल्यू के लिया और इसका जब मैंने हैश फंक्शन इस पे लगाया तो मुझे लोकेशन L1 मिला। मैंने L1 लोकेशन पे जाके की डाटा के को स्टोर कर दिया। लेट से मेरे पास एक के डैश डेटा आता है और मैं इस पे भी हैश फंक्शन जब लगाता हूँ तो भी मुझे लोकेशन L1 मिल जाता है। तो ऑलरेडी के L1 लोकेशन पे स्टोर्ड है तो मैं के डैश को तो नहीं स्टोर कर सकता, लेकिन मुझे के डैश को स्टोर करना है तो मैं उस लोकेशन पे ना करके, अगर ऑलरेडी मान लेते हैं कि अगर इसको न्यूमेरिकल वैल्यू माने कि ये लोकेशन 7 मिल रहा है और 7 पे हमने किसी डेटा के को स्टोर कर दिया है, तो के डैश को 7 की जगह हम 8 लोकेशन पे स्टोर करने का प्रयास कर लेते हैं। अगर 8 लोकेशन खाली है तो, अगर 8 भी बिजी है तो मैं 9th लोकेशन को देख लेता हूँ, और अगर 9th भी बिजी है तो मैं 10th लोकेशन को देखूंगा, लेकिन 10th लोकेशन 10 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए जब भी मैं कंप्यूटेशन कर रहा हूँ तो मैं मॉडुलस विद 10 हमेशा लिखूंगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एच लोकेशन है वो बिजी है तो मैं H+1 लोकेशन पे सर्च करूंगा, और अगर ये वैल्यू बड़ी हो जा रही तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि H+1 मॉड साइज ले लेता हूँ, और अगर H+1 लोकेशन बिजी है तो H+2 लोकेशन देख लूंगा मॉड साइज, और अगर ये भी बिजी है तो H+3 लोकेशन देख लूंगा मॉड साइज। ठीक है, तो आइए इस तरह से स्टोर करते हैं इसको। तो इसी को हम लीनियर प्रोबिंग कहते हैं कि एक एक करके हमें एड्रेसेस बढ़ाना है और उन लोकेशंस को चेक करना है कि क्या हम अपना डाटा एलिमेंट वहां पे स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो 43 को अगर हमें स्टोर करना है तो 43 मॉड 10 लगाया, रिमाइंडर आया 3, 43 को हमने यहाँ स्टोर कर दिया। फिर हमारे पास है 165, 165 मॉड 10 किया, 5 आया, 165 को 5 लोकेशन पे स्टोर कर देते हैं। फिर हमारे पास है 62, तो 62 मॉड 10 किया, लोकेशन 2 आया, 62 को यहाँ स्टोर कर दिया। 123 मॉड 10, 3 वैल्यू आई, लेकिन 3 लोकेशन पे ऑलरेडी एक डेटा आइटम स्टोर है 43, तो हम यहाँ तो स्टोर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि लीनियर प्रोबिंग के थ्रू 3+1 4 लोकेशन पे 123 को स्टोर कर देते हैं। फिर मेरे पास है 142, तो अगर 142 है तो हमने मॉड विथ 10 किया, लोकेशन आया 2, लेकिन 2 तो बिजी है तो फिर मैं 3 लोकेशन को देखा, ये भी बिजी है, 4 को देखा ये भी बिजी है, 5 को देखा ये भी बिजी है, लेकिन 6 खाली है, तो मैंने क्या किया 142 को 6 लोकेशन पे स्टोर कर दिया। तो यही पूछा गया था कि 142 का लोकेशन क्या होगा। सो दिस इज द आंसर। ये जो स्कीम हमने अप्लाई की है जिसको हमने लीनियर प्रोबिंग कहा है, इसको हम ओपन एड्रेसिंग स्कीम भी कहते हैं, और ओपन एड्रेसिंग का मतलब ये है कि पूरी टेबल मेरी है, मैं टेबल में कहीं पे भी जाके अपने डेटा को स्टोर कर सकता हूँ। तो लेकिन जो स्कीम यहाँ पे अप्लाई की गई है उसमें लीनियर इंक्रीमेंट्स हैं, एच H+1 देन H+2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर हम इस इंक्रीमेंट को इस तरह से दें H+1 स्क्वायर, फिर H+2 स्क्वायर, फिर H+3 स्क्वायर, तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज द क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। इसी तरह से अगर हम ये स्कीम अप्लाई करते हैं कि एच एक फंक्शन है और अगर कॉलिजन होगा तो हम एच डैश कैलकुलेट कर लेते हैं, दूसरा फंक्शन, तो H+H- लोकेशन पे हम देख लेते हैं, अगर खाली हो तो वहां स्टोर कर देंगे, या फिर H+2H- लोकेशन पे स्टोर कर देते हैं, अगर खाली हो तो वहां स्टोर कर देंगे, अगर ये भी बिजी है तो H+3H- लोकेशन पे स्टोर कर देंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं डबल हैशिंग या रीहैशिंग। तो ये सारे मेथड्स जो हैं वो ओपन एड्रेसिंग स्कीम में आते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि जो हम फार्मूला लगा रहे हैं वो 3x+4 mod 7 लगा रहे हैं, हैश टेबल इनिशियली एम्प्टी है, और जो स्टोर करना है वो स्टोर करना है 1, 3, 8 और 10 को, और यहाँ कहा जा रहा है कि क्लोज्ड हैशिंग का यूज किया जा रहा है, ओपन एड्रेसिंग का यूज नहीं किया जा रहा है। क्लोज हैशिंग, क्लोज हैशिंग का मतलब क्या है कि जिसका जो लोकेशन है वहीं पे वो स्टोर किया जा सकता है। अगर हम स्टोर नहीं कर सकते तो हम अपना आंसर बता देंगे कि नहीं, इस वैल्यू को स्टोर नहीं किया जा सकता। तो आइए इसको स्टोर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मॉड 7 है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 7 डिफरेंट लोकेशंस होंगी और इनके इंडेक्सेस होंगे 0 से 6 तक।
ओके, फिर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, 3x प्लस 4 मॉड 7। तो सबसे पहले 1 के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 मॉड 7, 7 मॉड 7 आएगा, 0 इंडेक्स होगा, वहां पे हम जाके 1 को स्टोर कर देंगे। फिर हमारे पास है 3, सो 3 इंटू 3 प्लस 4 मॉड 7, इसकी वैल्यू आएगी 9 प्लस 4 13, 6 वैल्यू आ जाएगी। मैं 3 को लोकेशन 6 पे स्टोर कर देता हूँ। फिर मेरे पास 8 है, सो 3 इंटू 8 प्लस 4 मॉड 7, तो ये 28 हुआ, इससे इंडेक्स आएगा 0, 0 इंडेक्स पे ऑलरेडी 1 वैल्यू पड़ी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे कोई और वैल्यू नहीं डाल सकते, और चूंकि हम क्लोज हैशिंग का यूज़ कर रहे हैं इसलिए इस डेटा एलिमेंट को हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पास 10 है, सो 3 इंटू 10 प्लस 4 मॉड 7, 34 मॉड 7 है, इंडेक्स 6 आएगा, 6 इंडेक्स बिजी है, यहाँ पे कोई और डेटा एलिमेंट नहीं आ सकता, इसलिए 10 को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो जो टेबल की स्टेटस है वो होगा 1 और लास्ट में 3, तो सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंसर्ट द कैरेक्टर्स ऑफ ए स्ट्रिंग, के आर पी सी, इन सबको स्टोर करना है हैश टेबल में जिसकी साइज है 10। तो 10 साइज है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो एरे होगा या जो हैश टेबल है उसमें 10 डिफरेंट लोकेशंस होंगे, और उन 10 डिफरेंट लोकेशंस के जो इंडेक्सेस होंगे वो होंगे 0 से 9 तक, वो वैरी करेंगे। और अब हमें क्या करना है कि एक फार्मूला अप्लाई करना है, ऑर्डर ऑफ एक्स माइनस ऑर्डर ऑफ ए प्लस 1 मॉड 10, और लीनियर लीनियर प्रूविंग को यूज करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं हाफ सॉल्व करूंगा और हाफ आपके लिए छोड़ दूंगा, आप खुद से सॉल्व करें। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ एक्स, जिस की को स्टोर करना है उसका ऑर्डर, और ऑर्डर की यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो ASCII वैल्यू है। तो सबसे पहले हम सभी एलिमेंट्स का ASCII यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ए का 65, या इसको ऑर्डर नहीं बल्कि पोजीशन लिख लेते हैं। तो जैसे कि ए की जो पोजीशन है वो 1 मानी गई है, तो ए की पोजीशन 1, बी की पोजीशन 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, इसी तरह से एफ की 6, जी की 7, एच की 8, आई की 9, जे की 10, के की 11, एल की 12, एम की 13, एन की 14, ओ पी क्यू आर 15, 16, 17, 18, एंड देन एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, एस का 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। सो पहले हम के को स्टोर करना चाहते हैं, तो के को स्टोर करने के लिए ऑर्डर ऑफ के यहाँ पे है वैल्यू 11। सो 11 माइनस ऑर्डर ऑफ ए ऑलवेज विल बी 1, और उसके बाद हमें प्लस 1 लगाना है, और उसके बाद फिर मॉड 10 लगाना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हर बार ये ऐसा हो रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए प्लस 1, ऑर्डर ऑफ ए नेगेटिव है और ये प्लस 1 है, तो ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो हम डायरेक्टली फार्मूला ये भी लगा सकते हैं के मॉड 10, के जहाँ पे एक्स का लोकेशन है या फिर एक्स का ऑर्डर है। तो जब हमने 11 मॉड 10 किया तो 1 आई वैल्यू, हम के को 1 लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं। एक और लेते हैं डेटा वैल्यू, आर लेते हैं। आर का स्टेटस या आर का जो लोकेशन है वो 18 है, सो 18 मॉड 10 करेंगे, सो दिस वैल्यू विल बी 8, तो हम आर को 8 पे स्टोर कर सकते हैं। फिर हमारे पास पी है, पी का लोकेशन है 16, तो 16 मॉड 10 करेंगे तो वैल्यू 6 आएगी, और पी को 6 पे स्टोर कर दीजिए। फिर सी है, सी की लोकेशन है, सी का जो ऑर्डर है वो 3 है, तो 3 मॉड 10 करेंगे तो आंसर आएगा 3, 3 लोकेशन पर जाके सी को स्टोर कर देते हैं। फिर एस है मेरे पास, एस का जो ऑर्डर है वो 19 है, तो 19 मॉड 10 करेंगे तो आंसर आएगा 9, तो 9 लोकेशन पर जाके एस को स्टोर कर दीजिए। फिर है एन, एन जो है उसकी डेटा वैल्यू है 14, 14 मॉड 10 करने से 4 आता है, तो 4 लोकेशन पर जाके एन को स्टोर कर देते हैं।
फिर वाई है जिसका ऑर्डर है 25, 25 मॉड 10 करेंगे तो वैल्यू आएगी 5, वाई को 5 पे स्टोर कर दीजिए। फिर मेरे पास है टी, टी का जो स्टेटस है वो है 20, मॉड 10 करेंगे तो 0 आएगा, तो हम क्या करते हैं कि टी को 0 लोकेशन पे स्टोर कर देते हैं। फिर मेरे पास है जे, जे का ऑर्डर है 10, मैं जे को भी कोशिश करूंगा कहाँ स्टोर करने का, 0 इंडेक्स पे, लेकिन 0 इंडेक्स तो बिजी है, तो फिर मैं कहाँ स्टोर कर सकता हूँ जे को, 1 पे बिजी है, 2 पे स्टोर कर देते हैं क्योंकि 2 लोकेशन खाली थी। देन आई हैव एम, एम का लोक, एम का जो ऑर्डर है वो है 13, तो 13 ऑर्डर है तो इसका जब मैं 10 से मॉड करूंगा तो 3 आएगा, क्योंकि ये 3 आएगा इसलिए 3 पे तो मैं स्टोर कर नहीं सकता, 4 पे भी नहीं कर सकता, 5 पे भी नहीं कर सकता, 6 पे भी नहीं कर सकता, तो मैं 7 लोकेशन खाली है यहाँ पे जाके एम को स्टोर कर देते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में हम इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं कॉलिजन्स को और मुझे ये ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस लोकेशन पे कॉलिजन होगा। ठीक है, तो किसके इंजर्शन पे कॉलिजन हुआ, वाई के इंजर्शन पे तो कॉलिजन नहीं हुआ, सी के इंजर्शन पे भी कॉलिजन नहीं हुआ, सी का 3 मिला था। ओके, जो वाई का लोकेशन मुझे 5 मिला था आप चेक कर सकते हैं, उसको मैंने 5 पे स्टोर किया था। एम का इंजर्शन जस्ट मैंने अभी किया और एम को स्टोर हम नहीं कर पा रहे थे लोकेशन नंबर 3 पे, तो फिर हम एक एक करके आगे गए और उसको 7 लोकेशन पे स्टोर किया। सो दिस इज दी करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे मेरे पास इसरो नाम का एक टेक्स्ट है और मुझे इस इसरो नाम के टेक्स्ट को स्टोर करना है एक हैश टेबल में। ओके, और हैश टेबल में मुझे इसको कोडेड फॉर्म में स्टोर करना है। ओके, ये जो प्लेन टेक्स्ट है जब मैं इसको कोडेड फॉर्म में स्टोर करूंगा तो प्लेन टेक्स्ट विल गेट कन्वर्टेड टू द सिफर टेक्स्ट। तो मुझे क्या करना है कि इसको सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन गिवन है के एम प्लस 13 मॉड 26 और के की वैल्यू है 7, एम हमारे पर्टिकुलर टेक्स्ट का ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर है जैसे ए का 0 ऑर्डर है, बी का 1 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, जेड का ऑर्डर जो है वो 25 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे फिर से ऑर्डर लिखना पड़ेगा, तो मैं इन ऑर्डर्स को लिख लेता हूँ। ओके, सो ए का ऑर्डर है 0, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ई का 4, एफ का 5, जी का 6, एच का 7, आई का 8, जे का 9, के का 10, एल का 11, एम का 12, एन का 13, ओ का 14, पी का 15, क्यू का 16, आर का 17, एस का 18, टी का 19, यू का 20, वी का 21, 23, 24 एंड 25। ओके, सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जो आई का ऑर्डर है मेरा दैट इज 8, सो मैंने फार्मूला अप्लाई किया 8 इंटू 7 प्लस 13 एंड देन मॉड 26, सो व्हाट दिस वैल्यू विल बी, 56 प्लस 13 एंड मॉड 26, सो दिस इज 69 मॉड 26, 69 मॉड 26 विल बी 17, सो व्हाट कैरेक्टर 17 रिप्रेजेंट्स, 17 इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, तो आर इज द फर्स्ट कैरेक्टर जिसको हमने आई को हमने आर में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप ऑप्शन केवल देखना चाहें तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता, लेकिन अगर आप और कुछ कैरेक्टर अगर आप कंपेयर कराना चाहें कि क्या वो भी सही आ रहा है, तो लेट्स डू इट फॉर द नेक्स्ट कैरेक्टर, लेट्स से दैट इज एस, तो एस का ऑर्डर है मेरा 18, सो 18 इंटू 7 प्लस 13 एंड मॉड 26। ओके, सो 18 इंटू 7 विल बी
126 plus 13 and mod 26. So this is 139 mod 26. So this value will be 139. Mod 26 will give us the answer. Let's do it. Let's multiply it with 25. So this value will be 9. So the next character will be 9. 9 is the equivalent of J. So we have the second character as J. Similarly, you can do it for the third and the fourth character also. So A is the correct option. Now see this question. A hash table of length 10 uses open addressing with hash function HK is equals to K mod 10. So K mod 10 ka use karna hai aur linear probing ka use karna hai. After inserting 6 values into an empty hash function table, the table is shown below. तो ये answer given है कि insertion के बाद का. आपको ये पता करना है कि इनमें से कौन सा order of insertion सही है जिससे कि ये result मिले. तो आइए एक काम करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी इस question को solve करते हैं. 46 mod 10 will be 6, 42 mod 10 will be 2, 34 mod 10 will be 4, 52 mod 10 will be 2, 23 mod 10 will be 3, 33 mod 10 will be 3. Okay. Now, अगर हम इसको इसमें स्टोर करें तो 46 mod 6 से 46 मुझे 6 लोकेशन पे ही मिलेगा, 42 2 लोकेशन पे ही मिलेगा, 34 4 लोकेशन पे ही मिलेगा, 52 को हम यहाँ स्टोर नहीं कर सकते 2 लोकेशन पे, तो हम नेक्स्ट देखेंगे 3 लोकेशन पर, 3 पे तो 23 है. इसका मतलब कि ये गलत है. ओके तो आइए अब हम इसको भूल के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया. तो अब हम बी के लिए चलते हैं. अब बी के लिए फिर से हमें रिमाइंडर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. तो ये बी के लिए हमने रिमाइंडर कैलकुलेट किया तो 4 आया, 2, 3, 2, 3 एंड 6. सो 34 को 4 लोकेशन पे स्टोर किया, 42 को 2 लोकेशन पे, 23 को 3 लोकेशन पे, 52 को हम 2 पे नहीं स्टोर कर सकते तो 3 देखा, 3 पे स्टोर नहीं कर सकते तो 4 पे देखा, 4 पे स्टोर नहीं कर सकते तो 5 पे. बिल्कुल सही है, 52 को हमने यहाँ स्टोर कर दिया. फिर 33 का लोकेशन है 3, 3 लोकेशन बिजी है, मैंने यहाँ देखा ये भी बिजी है, यहाँ देखा ये भी बिजी है, ये खाली था लेकिन यहाँ पे स्टोर नहीं है 33. इसका मतलब कि बी ऑप्शन भी गलत हो गया. तो आइए दूसरा हम एलोकेशन देखते हैं ऑप्शन सी के लिए. तो ए और बी तो रिजेक्ट हो गए, तो ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है? तो सी ऑप्शन को कर देखते हैं. इसमें रिमाइंडर 6 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है. तो 46 को हमने 6 लोकेशन पे स्टोर किया, सही है. 34 को 4 पे, 42 को 2 पे स्टोर किया, 23 को 3 पे स्टोर किया, 52 को 2 लोकेशन पे स्टोर नहीं कर सकते तो 3 देखते हैं, 4 भी बिजी है, 5 पे स्टोर कर दिया. 33 को 3 लोकेशन पे स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 सब बिजी है, तो ऑब्वियसली बात है यही ऑप्शन मेरे पास है. तो 7 लोकेशन पे मैंने जाके 33 को स्टोर कर दिया. सो ये ऑप्शन सही. सो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो InfyTQ में आपसे पूछे जा सकते हैं. तो आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा. और आप हैशिंग के कोई भी क्वेश्चन InfyTQ या फिर इस तरह के किसी भी एग्जाम्स में आप सॉल्व कर सकते हैं. तो विश यू गुड लक स्टूडेंट्स, और मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें जो कि बाइनरी सर्च ट्री पे होगा. थैंक यू.